मैं आप सबसे एक बात बोलूं कि इस दुनिया में एक ऐसा डांस फॉर्म भी है, एक ऐसी मूवमेंट भी है जिसको बोलते हैं घोस्ट मूवमेंट। आई मीन थोड़ा सुनने में डरावना लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे भूत प्रेत नाचते होंगे अगर हम इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का टॉपिक है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आकृत परफॉर्मिंग आर्ट्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम जिस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं वो मैटर बहुत ही डिफरेंट है। शायद आपने सुना भी होगा, शायद आपने नहीं भी सुना होगा। ये आकृत परफॉर्मिंग आर्ट्स ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना भी इस दुनिया में आर्टिस्टों से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और ये वीडियोस खुद में एक MBA है, चाहे वो आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई भी जॉनर हो, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो या फिर और किसी भी किस्म का परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, आपको सारी ऑथेंटिक नॉलेज इसमें मिलेगी। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कि व्हाट इज घोस्ट डांस। घोस्ट डांस एक रिलीजियस मूवमेंट है जो नेटिव अमेरिकन्स के थ्रू यूज करा गया था 1890 में। ये जो सारा सर्कल था ना, ये फॉर्म हुआ नेटिव अमेरिकन्स के बिलीव्स के ऊपर, जिसको बाद में नाम दिया गया घोस्ट डांस का। और ये स्प्रेड हुआ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ US में, जिसमें इंक्लूड होते हैं कैलिफोर्निया एंड ओक्लाहोमा। सो टुडे इन दिस रिसर्च वी विल टॉक अबाउट घोस्ट डांस। सो बेसिकली मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जब इंडियन आर्टिस्टों की बात करते हैं तो हमारी खुद की माइथोलॉजी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में घोस्ट से, भूत प्रेतों से, परियों से, जिन्नों से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। बट मैं अगर आपको ऐसा बताऊं कि US में भी एक ऐसा बिलीव था तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की स्टोरी पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी कंट्री में किसी न किसी वे में होती रही है और उसी के ऊपर ये पूरा रिपोर्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैक विल्सन, जिसको हम जानते हैं वोवोका नाम से भी, वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ घोस्ट डांस। इनका जन्म हुआ स्मी वैली में, जो है अराउंड सदर्न कार्सन इन नवेडा इन 1856। सो बेसिकली ये काम करते थे एक रेंच में जहां पर इन्होंने इंग्लिश और क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पढ़ाई करी। इनको इनके खुद के लोग जानते थे वोवोका नाम से, बट ये अपना नाम जैक विल्सन यूज करते थे जब ये वाइट से बात करा करते थे। वो थे एक यंग लीडर एंड बनना चाहते थे वेदर डॉक्टर, ठीक उसी तरह जिस तरह उनके पापा थे। बीइंग अ यंग पर्सन उनको बहुत सारे विजन्स आया करते थे, बट कहीं ना कहीं वो उस विजन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई, जब उन्होंने अपने पापा को ये बात बताई कि मेरे को बहुत सारे विजन्स आते हैं बट मैं कहीं ना कहीं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, तो उनके पापा ने कहा कि ठीक है मैं तुमको किसी के पास लेकर चलता हूँ। और वो लेके गए उनको एक ट्रेंड होलीमैन के पास, जहां पर उनको लगा कि इस बात का सोल्यूशन उन्हें मिल जाएगा। बहुत ज्यादा उनके विजन इंस्पायर थे क्रिश्चियन रिलीजन से। बेसिकली ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कि कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन इसका फाउंडर था, किस तरीके से इसकी हिस्ट्री थी। अब जो हम बात करते हैं वो बेसिकली हम बात करेंगे कि घोस्ट डांस इमर्ज कैसे हुआ। ये मूवमेंट बेसिकली इमर्ज ऐसे हुआ कि जो व्हाइट अमेरिकन्स थे वो कहीं ना कहीं जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको अपनाते नहीं थे। दे वांटेड टू अबॉलिश जो उनके रिलीजियस बिलीव्स थे। ये सारा मूवमेंट फॉरवर्ड तब हुआ जब 1889 में वाइल्ड सोलर एक्लिप्स जैक विल्सन को एक विजन आया, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड देखा, अ ब्लिसफुल लैंड जिसमें जो था बहुत ही ज्यादा जानवरों से भरा हुआ। कहते हैं कि गॉड सेंड द विल्सन बैक उसके खुद के लोगों के पास उसको ये बताने के लिए कि इतना अमेजिंग, इतना ब्लिसफुल एक जगह है जहां पर फुल ऑफ एनिमल्स, वो हर जगह से भरा हुआ है। सिर्फ बात यहां तक ही नहीं, विल्सन ने कोशिश की कि उनके लोगों को वो वहां ले जाकर दिखाएं भी कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है। बट इस जगह पर जाने के लिए कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स थी जो विल्सन ने लोगों के सामने रखी, जो थी कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ सच्चे होने चाहिए, और जो थर्ड पॉइंट था वो था अबैंडन द बैड कल्चर ऑफ बॉडी म्यूटिलेशन एंड मोर्निंग द डेड। और अगर ये सब वो चीजें करने में सक्षम हो जाते तो भगवान उनको यूनाइट कर देता पैराडाइज में। एज ए स्पिरिचुअल लीडर भगवान ने विल्सन को ये बात बोली कि अगर वो रेडी कर ले सबको घोस्ट डांस परफॉर्म करने के लिए तो भगवान उनको पैराडाइज में यूनाइट कर देंगे। और इस ड्रीम के साथ विल्सन ने हर जगह ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इस पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। उसने सबको ये कहा, ये मोटिव के साथ उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया कि सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार करें और कोई भी ऐसी चीज जो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं द्वेष पैदा करती है वो सारी चीजें खत्म हो जाए। घोस्ट डांस इस बिलीव के साथ सामने आया था कि एक नया किस्म का वर्ल्ड हम सबके बीच में आएगा जहां पर कोई भी ज्यादा लड़ाइयां नहीं होंगी, हर चीज को बराबर रिस्पेक्ट के साथ देखा जाएगा। साथ में ये भी मोटिव था कि कोई भी सफरिंग और पेन इस वर्ल्ड में नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही डिफरेंट बिलीव था जिसमें ये था कि जितने भी व्हाइट अमेरिकन्स हैं वो सब मर जाएंगे। वोवोका ने बेसिकली इस पूरे डांस को क्रिएट किया जिसमें वो बात करते थे कि एक मसीहा
धरती पे आएंगे और जिनकी वजह से सारी दुनिया एक डिफरेंट और बहुत ही पॉजिटिव चेंज के साथ गुजरेगी. फ्रॉम द थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोफेसी मेड बाय वोवोका हैड नो ट्राइबल बेसिस. और इस बीच में जितनी भी चीजें बिलीव्स और एक्टिविटीज वहां पर बनाई गई वो सारी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा होप को दर्शाती है. अब इस पॉइंट के बाद बात कर लेते हैं कि हमें इस गोस्ट डांस से क्या क्या मैसेज मिलते हैं. तो सबसे पहला मैसेज मिलता है वो है कि कि रद्द कर दिया जाएगा किसी भी किस्म का ऑपरेशन, चाहे वो वाइट्स का ब्लैक पे हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन का, किसी वीकर सेक्शन के ऊपर जो भी अत्याचार है वो सब चीजें बंद हो जाएंगी. और ये जो मैसेज है ना कि अबाउट यू नो राइजिंग ऑफ एवरीथिंग एंड यू नो एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड बाय राइटियस पीपल और चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाएंगी, इसका रेफरेंस हमको मिलता है इन द बुक ऑफ रिवेलेशन. इज बिलीव दैट वोवोका क्रिश्चियंस अपब्रिंगिंग इन डेविड विल्सन्स होम कंट्रीब्यूटेड टू हिज टीचिंग. सो बेसिकली कहा जाता है जो वोवोका है उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी वो बहुत ज्यादा उनके अपब्रिंगिंग से निकल के आई है. बात कर लेते हैं एग्जैक्टली इंपैक्ट ऑफ गोस्ट डांस. जो नेटिव अमेरिकन्स थे उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया था इस बात को कि वो अपना लाइफस्टाइल, अपने बिलीव्स, अपना रिलीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे चाहे गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की पॉलिसीज आ जाए. सो जो नेटिव अमेरिकन्स थे उसने सारी चीजों को रद्द कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई. वो उनके किसी भी रूल्स को नहीं मान रहे थे, कोई भी रेगुलेशंस को नहीं मान रहे थे और वो मग्न थे अपने गोस्ट डांस को परफॉर्म करने के लिए. गवर्नमेंट ने काफी ट्राई किया कि वो किसी ना किसी तरह से फोर्सेस को भेज के कुछ और चीजें करके कुछ और रूल्स रेगुलेशन को लेके आए और कहीं ना कहीं गोस्ट डांस को रोका जा सके, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया. इनफैक्ट बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड होने लगा इन लोगों को रोकने की वजह से. जो गोस्ट डांस है वो बात करता है अबाउट कमिंग ऑफ मसीहा. एक मसीहा आएगा और वो व्हाइट अमेरिकन को उनके सारे सिंस का बदला देगा. गवर्नमेंट ने काफी सारे ट्रूप्स, काफी सारे मिलिट्री आर्म फोर्सेस को भेजा इस सारे मूवमेंट को रोकने के लिए. The troop shots unarmed Dakota people on the plains of Wounded Knees Pine Ridge, जिसमें करीबन 290 लोगों की मौत हो गई. And this incident is marked as the end of ghost dance religion. और अगर आपको कोई भी doubt है इससे related या कोई भी information आपके पास इस dance particular dance को लेकर, इस particular movement को लेकर है, तो आप नीचे comments में लिख के मुझे बता सकते हो ताकि हमारा discussion वहाँ पर और हो. जितनी इन्फॉर्मेशन और जितना रिसर्च मैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर कर सकता था वो मैंने किया है. अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहे. एंड वीडियो में थोड़ा सा एंगेजमेंट चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा और बूस्ट मिले, तो मेक श्योर आप लाइक और कमेंट जरूर करना. मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट पावरफुल वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स करियर और ज्यादा बाउंस करेगा. आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, पीस, एंजॉय.